नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नसलगन तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम बालागांव में श्री साईं सरकार सेवा समिति के अक्कू यादव की पूरी टीम के द्वारा प्रथम वर्ष साईं नाथ की ग्राम बालागांव में स्थापना की गई। वही अक्कू यादव की टीम ने यहां निर्णय लिया है कि पत्रकारों का सम्मान किया जाए। प्रथम बार साईं बाबा की स्थापना के उपलक्ष में नसलगंज के पत्रकारों का सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से पत्रकार लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, पत्रकार चांदमिया, नरेंद्र यादव, फिरोज खान एवं गुरुदयाल यादव आदि पत्रकारों का सम्मान शाल श्रीफल देकर पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। वही पत्रकार साथी लक्ष्मी नारायण अग्रवाल का जन्मदिन अक्कू यादव और सभी साईं सेवा सरकार समिति के साथियों द्वारा मिठाई खिलाकर पुष्पमाला पहनाकर मनाया गया। और वही अक्कू यादव ने कहा कि आज मुझे और अपने साथियों को अपने क्षेत्र के पत्रकार साथियों का सम्मान कर गौरवित महसूस हो रहा है। साईनाथ की मूर्ति की जब से स्थापना की है तब से ऐसा लग रहा है कि मानो शिरडी के साईं बाबा साक्षात यहाँ पधारे हैं। वही अक्कू यादव उम्मीद करते कि बाबा के आशीर्वाद और ग्रामवासियों का सहयोग हमें बराबर मिलता रहा तो हर वर्ष साईं बाबा की इसी तरह स्थापना करते रहेंगे। नसलगंज से चांदमिया की रिपोर्ट। हमने युवाओं ने ये कहना है, सर्वप्रथम वर्ष साईनाथ की स्थापना हुई है इस ग्राम बालागांव में। सभी युवाओं ने कहा कि अपन प्रथम वर्ष साईनाथ बिठा रहे हैं तो सभी ग्रामवासियों के सहयोग से साईनाथ बिठाए गए हैं और हमें ये महसूस हो रहा है कि हमारे ग्राम बालागांव आज सिटी जैसा लग रहा है। तो आपने ये पहला वर्ष है आपका? जी जी। तो आप क्या निरंतर बिठाते रहेंगे? जी जी जी, पूरा ग्रामवासियों के सहयोग से हम निरंतर बिठाते रहे। आपको कैसा लग रहा है, मतलब बाबा को विराजित करने के बाद में? हमें बाबा को विराजित करने के बाद में हमें पूरा श्रेडी जैसा लग रहा है, महसूस हो रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।